अब यहाँ पर प्रोसेस के एक ऑप्शन है, प्रोसेस वाला ऑप्शन को जो बटन को प्रेस कीजिएगा तो सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं। देखिए स्पिन में लाइट जल रहा है, स्टार्ट मारिएगा सिर्फ सुखाने का मशीन काम करेगा। ये हमारा LG का 6.5 kg का टॉप लोड का वॉशिंग मशीन जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका मैं आप लोगों का इंस्टॉलेशन करके बताऊंगा कि इस तरह से इस वॉशिंग मशीन को सेट किया जाता है, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके। स्टिकर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्टिकर में 5-स्टार रेटिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 2023 का ये मॉडल है। बहुत सारा चीज़ डिटेल नॉर्मली यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है स्टिकर में, आप देख करके समझ पाओगे। इसका अनबॉक्सिंग भी हम लोग करेंगे, साथ ही साथ सेट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो बहुत सिंपल तरीका रहता है, मुझे लगता है आप लोगों को इसे जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए कि वॉशिंग मशीन को किस तरह से सेट किया जाता है। बहुत इजी प्रोसेस में ये सेट होता है, साथ ही साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी आपको समझना ज़रूरी है, कोई भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहता है तो। लेकिन ये LG कंपनी का भाई, तो LG कंपनी का तो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि ज़्यादा जो सेलिंग होता है मार्केट में वॉशिंग मशीन, वो दो ही प्रोडक्ट रहता है, दो ही कंपनियाँ का, LG या फिर सैमसंग। तो भाई ये हमारा LG का है, देख सकते हैं यहाँ पर, और बॉडी वगैरह काफ़ी हेवी, काफ़ी मजबूत है। अनबॉक्स तो मैं कर चुका हूँ, बाकी यहाँ पर ग्रिप वगैरह भी मिलता है इसको, वो मतलब उठा करके एक तरह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा किस तरह से इसको ऊपर उठा करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। सर्फ रखने का ये नॉर्मली एक ऑप्शन है, बाकी नीचे का कवर भी हमें देखने को मिल पाता है। ये कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस कवर से हमें नीचे का जो एरिया रहता है वो खाली उसको लगाना पड़ता है। इनलेट पैम्प मिलता है और आउटलेट पैम्प हम लोगों को इंक्लूड मिलता है वॉशिंग मशीन के साथ में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, फ़िल्टर। ये फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा को धोते हैं लास्ट टाइम में, आप नोटिस कीजिएगा, अगर इसको आप साफ़ नहीं करते हो 15-20 दिन में, तो भाई कपड़ा वगैरह में दाग आने लगेगा, गंदगी आने लगेगा, तो इसको सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको टाइम टू टाइम सफाई बिल्कुल कीजिएगा। बाकी ड्रम वगैरह काफ़ी मजबूत, काफ़ी हेवी है, जो कि आप लोगों की लॉन्ग लाइफ बना देता है LG कंपनी। एंड गाइस, इस ढक्कन को हम लोग बंद कर चुके हैं। डिस्प्ले में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अभी शो कर रहा है आप लोगों को, सारा चीज़ मैं आप लोगों को अभी वीडियो के थ्रू ही आगे वीडियो में कवर करूँगा। बाकी लुक, डिज़ाइन, ये सारा चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लॉक पकड़ने वाला था हमारा, यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझना है कि हमें जो ये वॉशिंग मशीन मिलता है 6 एम्पेयर के मिलता है, मतलब छोटा वाला ये हमारा 3 पिन टॉप मिलता है, जो कि आराम से किसी जगह पर भी लग जाएगा। यहाँ पर कुछ समझने वाला चीज़ आपका ये है कि इसके अंदर फ़िल्टर होता है, जो कि इनलेट में ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जब गंदगी हो से जम जाता है तो हमारे इनलेट में पानी का प्रेशर बहुत कम आता है, तो सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आउटलेट का, यहाँ पर पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप पाइप को हम लोग ऐड करेंगे। उससे पहले इस वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। लॉकिंग देख सकते हैं, राइट साइड में भी लॉकिंग और लेफ्ट साइड में भी लॉकिंग, जिससे हम लोग पकड़ करके इसको उठा रहे हैं। बहुत ही आसानी तरीके से ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आ जाता है। लेकिन भाई इसी जगह पे अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन रहता हालत ख़राब हो जाता भाई, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वेटेड रहता है और टॉप लोड थोड़ा इजी वे में हर जगह पे सेटअप हो जाता है, स्पेस बहुत कम लेता है ये, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगता है टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में। अब यहाँ देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीन बहुत आसानी तरीके से हमारा रखा चुका है, तो जिस तरह से नीचे का कवर था इसे लगाना ज़रूरी है, तो इस कवर को हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इंस्टॉलेशन करने के थ्रू। आप लोगों को ये से प्रोसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीचे का जो हमारा ये कवर था बहुत ही अच्छे तरीके से वो अब लग चुका है नॉर्मली, तो यहाँ काम कम्प्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस वाले काम हम लोग करेंगे। दूसरा प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर ड्रेन पाइप था, जो कि मैं ऐड कर चुका हूँ यहाँ पर। अब इनलेट का काम करते हैं हम लोग कि इनलेट पैम्प का भी कनेक्शन, उसके लिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट रहता है इनलेट पैम्प का, सबसे पहले स्क्रू से इसको टाइट मार लेंगे, ठीक है। टाइट मार लेने के बाद यहाँ पर पुश करने का लॉक का सिस्टम रहता है, नॉर्मली गैस सिलेंडर जो रहता है इसी तरह से आपका लॉक का सिलेंडर रहता है, लॉक रहता है, मतलब इस तरह से आप लॉकिंग कर सकते हो, बहुत ईजी वे में लॉक हो जाता है ये प्रेस करके। निकालना होगा इस तरह से, दबा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी वे में काम होता है। दूसरा जो छोरा हमारा रहेगा दूसरी तरफ का, वो हमारे वॉशिंग मशीन में सेट हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से भी। ये हमारा दूसरा जो छोर रहेगा वो टाइट हो जाएगा बिल्कुल ईजी वे में। सबसे पहले इसको एक्यूरेट बराबर में इसको बैठाना ज़रूरी होता है, बराबर में अगर ये बैठ जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये टाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं टाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही आराम से ये टाइट हो जाएगा भाई। और टाइट प्रॉपर पूरा करना आप लोगों को, ताकि पानी लीकेज ना हो, ठीक है, क्योंकि पानी अगर लीकेज होगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा, काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर पावर दे रहे हैं, नॉर्मल सा काम रहता है वॉशिंग मशीन में सेटअप करना, बहुत इजी वे में हो जाता है। अब पावर बटन से हम लोग ऑन कर चुके हैं, अब सिस्टम समझिए किस तरह से ये यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले कपड़ा डाल देना है, 8-10 कपड़ा आपका जो भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर सर्फ डाल देना है, ठीक है,
सर्फ डालने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा, कपड़ा सर्फ का काम कंप्लीट हो गया। इधर भी देखिएगा ना, देखिए पावर बटन है, इससे ऑन ऑफ होता है, प्रेस करेंगे ऑन हो गया, प्रोग्राम से ऑप्शन सेलेक्ट होगा आपका, इस पर नंबर लिखा हुआ 1 2 3 करके है ना, करें हाँ प्रेस कीजिए, देखिए 1 2 3 आ गया ना नंबर। अच्छा फिर प्रेस कीजिए 2 आया, मतलब 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ। अब ऑप्शन आप समझ लीजिए कैसे यूज होता है, क्या हो गया 6 का, हाँ ये नंबरिंग 6 पे सेलेक्ट हो गया अभी। अब ऑप्शन समझ लीजिए किस तरह से यूज होगा, पहले आपको नॉर्मल में एक नंबर में अगर रहेगा सिलेक्ट किया हुआ, जो डेली यूज वाला कपड़ा रहता है प्रत्येक मिक्स कपड़ा, सर आपका नॉर्मल में आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा, मशीन चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सारा काम करेगा, कपड़ा को धोएगा, खंगालेगा, सुखाएगा, कंप्लीट करने के बाद बजर बजने लगेगा, ठीक है। ठीक, ये पहला आपका था, दूसरा आपका जेंटल है, जेंटल और वूल, सब ऑप्शन इसी से चेंज होगा, ठीक है। ये दो नंबर में जेंटल वूल, मतलब आपका जो भी आपका ठंडा कपड़ा वगैरह रहता है सारा आपका दो नंबर वाला ऑप्शन में आएगा, ठीक है। फिर प्रेस करेंगे 3 नंबर क्विक वॉश, 2-3 कपड़ा है कम से कम गंदगी वाला, तो आपका क्विक वॉश में आएगा, ठीक है। अच्छा फिर इस तरफ सब आ जाएगा ना, थोड़ा सा सीधा दिखेगा, उल्टा दिख रहा है, देखिए आपका क्विक वॉश में 2-3 कपड़ा कम से कम गंदगी वाला क्विक वॉश में आएगा। उसके बाद फिर प्रेस करेंगे 4 नंबर स्ट्रॉन्ग जींस, जो भी मोटा चादर है या फिर हेवी जींस है आपका 4 नंबर वाला ऑप्शन में आएगा। प्रेस करेंगे 5 नंबर आ गया आपका, 5 नंबर में आपका नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल प्री वॉश, मतलब यहाँ पर दो बार एक खंगाल रहते हैं, यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा खंगालेगा, ठीक है, जब कपड़ा को वो धोएगा। 6 नंबर में एक वॉर रिजर्व, इसमें पानी का बचत करके सारा काम कंप्लीट करके देगा आपको। 6 नंबर में, 7 नंबर में आपका रिंस है, रिंस मतलब खंगालना, अब प्लस दिया हुआ है स्पिन के लिए भी, अगर खंगालने और सुखाने का काम आप 7 नंबर में कर सकते हैं। अच्छा 8 नंबर में टब क्लीन, टब क्लीन का मतलब कुछ महीनों के बाद इसके अंदर गंदगी आने लगेगा, देखिए इसके अंदर कपड़ा वाला चीज है ना, जब धोते धोते इसके अंदर गंदगी भरने लगता है, तो इसके लिए पाउडर आता है क्लीनिंग पाउडर, उसको महीना में एक बार अंदर में छेड़ देना है आपको अच्छे तरीके से, इसको बंद करना है। 8 नंबर में टब क्लीन जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट मार दीजिएगा, अंदर का जो भी गंदगी रहेगा वो सारा निकाल करके बाहर कर देगा मशीन, टब क्लीन का यही यूज है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करके स्टार्ट मारेगा सब ऑटोमेटिक काम करेगा, जिसमें भी आप सिलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत इसमें समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, ईजी है ना सारा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है, ऑन कीजिएगा, प्रोग्राम से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ स्टार्ट मार दीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर प्रोसेस का एक ऑप्शन है, प्रोसेस वाला ऑप्शन को जो बटन को प्रेस कीजिएगा तो सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं, देखिए स्पिन में लाइट जल रहा है, स्टार्ट मारिएगा सिर्फ सुखाने का मशीन काम करेगा। अच्छा एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करेगा, कभी ऐसा होता है ना आपका कपड़ा बिल्कुल साफ है भीगा हुआ है आप सिर्फ सुखाना चाह रहे हैं, तो स्पिन में आप सिलेक्ट करके स्टार्ट मारिएगा तो सिर्फ सुखाएगा मशीन, कुछ और दूसरा काम नहीं करेगा। फिर इसको प्रेस कीजिएगा तो देखिए खंगालेगा और सुखाएगा, रिंस और स्पिन है, सिर्फ खंगालेगा और सुखाएगा। फिर इसको प्रेस कीजिएगा सिर्फ खंगालेगा मशीन, उसके बाद आपका धोएगा और खंगालेगा, ठीक है। इस तरह से आप सिंगल यूज कर सकते हैं प्रोसेस वाला ऑप्शन से। उसके बाद वाटर लेवल है, पानी का लेवल, पानी का लेवल को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर नंबरिंग जो शो कर रहा ना, यहाँ पानी का लेवल है 1 से लेके 8 तक, जितना ज्यादा लेके जाइएगा उतना ज्यादा पानी यहाँ पर आपका ऐड होगा, और जितना कम से कम रखिएगा उतना पानी कम से कम रहेगा। तो कपड़े के हिसाब से पानी को भी आप सेटअप खुद से कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। 8 तक का ऑप्शन यहाँ पे, 8 में पूरा पानी भरा हुआ रहेगा, और कम से कम करना है 1, 2 या फिर 3, 4 में आप सेट कर सकते हैं। ये आपका जो ऑप्शन है ये मैन्युअली है, यहाँ पर सारा ऑप्शन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में जो सेलेक्ट करके स्टार्ट मारिएगा वो मशीन सारा काम कंप्लीट करके आपको देगा, ठीक है। और यहाँ पर पानी हमेशा खुला हुआ रहेगा क्योंकि पानी वो ऑटोमेटिक लेगा, और पाइप वो हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि जब बीच में वो खंगालेगा या दोबारा जब पानी लेगा तो गंदा पानी को निकालता भी है, तो ड्रेन पाइप हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझने में आपको, दिखा दीजिए भैया। हाँ चालू करके कपड़ा लेकर के आइए, देखो भाई लगे कपड़ा।